चलो जी मालिक, वेरी वेरी वेलकम। अब कर लेते हैं क्या जी साहब, पीजीबीपी का क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं बहुत अलग 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 टॉपिक ले रहे हैं। यस और नो, अगर आप देखेंगे हम जो फास्ट ट्रैक भी कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो फास्ट ट्रैक भी हम लोग ले रहे हैं, ये फास्ट ट्रैक भी आप देखेंगे तो ये वो टॉपिक वाइज नहीं है जैसा आपका होता है जनरली, बेसिक, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर और बाकी के सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी। नहीं, अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग ये भी जो ले रहे हैं ये भी अलग अलग टॉपिक का ले रहे हैं। सबसे पहले मैं वो टॉपिक ले रहा हूं जिनके अंदर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है और जो टॉपिक्स बड़े भी है, जैसे कि अगर आप देखोगे कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्सेस, इनके अंदर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट भी है और ये टॉपिक सबसे बड़े भी है। तो हमने सबसे पहले इनको टाइम एलोकेट किया और बाकी के जो है लाइक सैलरी, एचपी, हम इसको एट द एंड कवर करेंगे। तो क्योंकि उसके अंदर में उतने अमेंडमेंट्स भी नहीं है इतने ज्यादा, और 115 BSE जब हम पढ़ते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमको वहां ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया और उसको वहां कवर किया है। परहैप्स तो आपको जो सैलरी और एचपी देखने को मिलेगा वो सबसे एंड में देखने को मिलेगा, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजीबीपी का क्वेश्चन है, पीजीबीपी का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है बनाया गया है, अगेन इसके अंदर में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी का कंपाइलेशन किया हुआ है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन रखे गए हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन लाए हुए हैं। मैं आपको एक और बात डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में बता दूं, बेटा डायरेक्ट एक्सेस एक समंदर है, अब तक के खैर तुम भी समझ चुके होंगे। और इस समंदर के अंदर में तरह तरह की मछलियां हैं, जिसका मतलब ये है कि भैया तुम हर बार मेरा ही नहीं किसी भी टीचर का बुक ओपन करोगे, यू विल फाइंड अ न्यू क्वेश्चन। सो एडजस्टमेंट्स इतनी सारी है, तुम कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर हर क्वेश्चन भी एक एक सॉल्व कर लेते हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर तुम हर क्वेश्चन भी एक एक सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। सो डोंट नीड टू हैव मच थिंग्स। दूसरी बात, जो अदर टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको कुछ अदर टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम्स भी एक्चुअली सॉल्व करवा के हम लोग लेने वाले हैं, तो वो खैर सबसे एंड का पार्ट बनता है, अभी फिलहाल इसके ऊपर मैं ध्यान देते हैं। चलिए, सो अगेन कुछ क्वेश्चंस। व्हाट शैल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट बीइंग कार इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। याद होगा तो हम लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा था, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। जैसे कि मैंने कहा था एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअल कॉस्ट में हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर बिल्डिंग को बिजनेस के अंदर में इंट्रोड्यूस किया तो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग को छोड़ के किसी भी एसेट को इंट्रोड्यूस किया तो वट एवर वॉज द एक्चुअल कॉस्ट हैज टू बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ पीजीबीपी। सो एज पर सेक्शन 43(1), एक्चुअल कॉस्ट वुड मीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू द असेसी। एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1) प्रोवाइड्स फॉर द डिडक्शन ऑफ नोशनल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट फॉर पर्सनल यूज टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग। सो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बिल्डिंग विच इनिशियली एक्वायर्ड फॉर पर्सनल यूज एंड लेटर बॉट टू पर्सनल यूज, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर असेट। तो जितने में भी आपने कार एक्वायर की थी वही आपकी क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आप सेल्फ कर सकते हैं क्या है इसके अंदर में। इनटैंजिबल्स को डिफाइन किया गया है, ये बहुत इजी डेफिनेशन है, आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिडक्टेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। याद कर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन हमने कहां पढ़ा था बेटा, 36 के अंदर में पढ़ा था। 36 के अंदर में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वेदर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एसेट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड देर शुड बी ए नेक्सस। इस लोन का जो होना चाहिए नेक्सस होना चाहिए आपके बिजनेस के साथ, याद आ रहा है तेरे को। अच्छा, एक और पॉइंट हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट टिल द असेट इज पुट टू यूज शैल बी कैपिटलाइज, वो डिडक्शन नहीं मिलता। ये 3 बातें यहां पे मेजरली लिखनी पड़ेगी, 36 का रेफरेंस देना पड़ेगा। सो चेक कीजिएगा, अंडर सेक्शन 36(1) डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन व्हाइल कंप्यूटिंग दैट पीजीबीपी। फर्दर एक्सप्लेनेशन 43(1) क्लैरिफाइज दैट इंटरेस्ट रिलेटेड टू अ पीरियड आफ्टर द असेट इज पुट टू यूज cannot be included in actual cost of the asset. So, एक बार asset put to use हो गया तो आप उसका deduction ले सकते हो, उसको actual cost में add नहीं करते। Proviso to section 36(1) provides that no deduction shall be allowed in respect of any amount of interest in respect of capital borrowed for acquisition of asset for any period beginning from the date on which asset is acquired till the date it is put to use. तो जब तक के put to use नहीं हो जाता तब तक इंटरेस्ट क्या किया जाता है, कैपिटलाइज किया जाता है, एक्चुअल कॉस्ट में एड किया जाता है।
Thus, interest in respect of capital borrowed for any period from the date borrowing to the date asset is put to use should be capitalized. कुछ नया लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, ये थ्योरी क्वेश्चंस है. इनफैक्ट मैं आपको पता होगा तो पहले टैक्स वेदा इशू किया करता था. एक साल हो चुके हैं हम लोग टैक्स वेदा बंद कर चुके हैं, और टैक्स वेदा के जो थ्योरी क्वेश्चन थे उसे भी मैं क्वेश्चनेयर के अंदर में क्या कर चुका हूँ, इंक्लूड कर चुका हूँ. सो दिस इज अ गुड मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी, ताकि एक ही चीज में आपके दोनों चीजें कंप्लीट हो जाए. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी फेमस थ्योरी क्वेश्चन, काहे के ऊपर बेस्ड है, सेक्शन 37 के ऊपर बेस्ड है. 37 याद करो क्या था बेटा, जनरल डिडक्शन. क्या क्या मेजर कंडीशन थी, कोई भी जनरल डिडक्शन लेना है किसी भी एसएससी को तो क्या था, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट कवर्ड अंडर 32-36, इट शुड बी रियल एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, नॉट फॉर एनी ब्रीच ऑफ लॉ. फर्दर दो पॉइंट और एड कर देना, सीएसआर एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है. दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, पैम्फलेट, ट्रैक, नॉट अलाउड एज डिडक्शन. इतना पॉइंट लिख दोगे 37(1) डन हो जाएगा. चेक करना, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड फॉर अलाउबिलिटी ऑफ एन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड फॉर द अलाउबिलिटी ऑफ सेक्शन 37. इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर 32-36, नॉट बी इन द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर, नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन. It should not have been incurred for any offence. साथ साथ में expenditure on advertisement in souvenir, brochure, tract, pamphlet published by a political party, no deduction is allowed. Any expenditure incurred by the assessee on CSR as per the Companies Act shall not deem to be an expenditure for the purpose of business or profession. Hence, such expenditure is disallowed while computing the total income. याद कर मेरे भाई, ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से करा है, चाहे वो रेगुलर बैच हो चाहे वो फास्ट ट्रैक बैच हो, हमने बहुत अच्छे से किया है. सो ये सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी. पॉइंट वाइज लिखना है एग्जामिनेशन में, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको पॉइंट वाइज दिया है. फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा दिया है जिस तरीके से आप खुद क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 की ऊपर हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हमें जाना होगा. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आरटीपी के अंदर में भी कवर था, और ये क्वेश्चन करंटली आपके मॉड्यूल के अंदर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो न्यू मॉड्यूल आया है उसके अंदर में. स्टेट विथ रीजन अलाउबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस. अब इस तरह के क्वेश्चन इंटर में बहुत आते हैं. इस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को देकर के फायदा क्या है, इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी क्विक कर लेती है, आपको 7 से 8 चीजें मिलेगी और उसके अंदर में बोला होगा बताओ अलाउ है या डिसअलाउ है अलॉन्ग विथ द रीजन. हर सेक्शन से एक एक चीज पूछ लेते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा नॉलेज टेस्ट हो जाए पीजीपीपी का, मोटा मोटी तौर पर आपका नॉलेज टेस्ट हो जाए पीजीपीपी का. तो इस तरह के क्वेश्चन रिसेंट टाइम्स में आपको बहुत देखने को मिलेंगे पीजीपीपी के अंदर में. वो एक सीरीज देंगे, बोलेंगे बताओ अलाउ है या डिसअलाउ है. State with reason the allowability of following expenditure as deduction while computing the income from PGBP. तो बताइए ये deduction आपको मिलने वाले हैं या नहीं है. पहला, XYZ Credit Corporation, a NBFC, made provision for bad and doubtful debts. किससे related है? Bad debts का concept कहाँ पढ़ा था बेटा? 36(1) के अंदर में पढ़ा था. Actual bad debts is allowed as deduction provided it is written off in the books of accounts. However, provision for bad debts is not allowed as deduction. याद आ रहा है? Provision for bad debts किसको मिलेगा बेटा? Indian banks को मिलेगा. Yes, 8.5% of GTI plus 10% of average aggregate rural advances. और Indian bank को छोड़ के बाकी किसी भी foreign bank, state financial corporation, NBFC, इनको कितना मिलेगा बेटा? 5% of GTI. अब सवाल क्या पूछ रहा है? XYZ Credit Corporation, a NBFC, non-banking financial company, क्या provision for bad debts मिलेगा? Yes. कितना? 5% of GTI. So, is this deduction allowed? Yes. Answer कैसे शुरुआत करेंगे? जब भी allowability या disallowability का question आता है, true या false का question आता है, your answer should start with this deduction is allowed, this statement is true, और उसके नीचे आपको अगर section number के साथ reference आता है तो section number के साथ reference लिख दीजिए. आपको याद होगा हम लोगों ने बताया कि कुछ सेक्शन को आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, उतने सेक्शन आप माइंड में रख लो तो भी चलेगा, या फिर एज पर यू नो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इस वर्ड से भी आप शुरुआत करोगे तो ये एक अच्छी लैंग्वेज दिखेगी एग्जामिनेशन में लिखते वक्त. तो सपोज आपको अगर सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा तो इस तरीके से कुछ ट्राई कर लो और यू नो सॉल्व करने की कोशिश करना. तो एनबीएफसी को मिलेगा, यस दिस एक्सपेंडिचर वुड बी अलाउबल एक्सपेंडिचर. आते हैं अलाउबल एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 36(1). ये इतने आगे के सब सेक्शन आपसे नहीं याद हो सकते, मेहनत भी मत करना. डिडक्शन इज अलाउड टू एनबीएफसी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेप्स
नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन एंड अंडर चैप्टर 6A अकॉर्डिंगली एक्स वाई जेड क्रेडिट कॉर्पोरेशन है NBFC वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स सच अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल इनकम दैट इज GTI. क्वेश्चन नंबर टू ऑन मे 2020 ABC पेड 45,000 टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ इट्स असेट पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021. एक मिनट याद करते हैं ये सेक्शन काय का है. ये सेक्शन है बेटा 43B का, अगर आपको याद आ रहा हो तो. 43B कहता है कुछ पेमेंट्स अगर रिटर्न भरने से पहले पे कर दिए, रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे कर दिए तो इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन. अगर प्रीवियस ईयर 2020 का और वो 14/5/2020 को ही पे किया है, ये अलाउड होगा डिडक्शन से. क्यों? क्योंकि ये रिटर्न भरने की डेट से पहले पे किया हुआ है. सो क्या ये अलाउ होने वाला है? यस, ये अलाउ होने वाला है. अलाउेबल एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 43B, अलाउबिलिटी ऑफ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय असेसी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ इट्स असेट सब्जेक्ट टू एक्चुअल पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर 139(1). इन द प्रेजेंट केस 45,000 इज पेड टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ इट्स असेट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर द प्रीवियस ईयर सिंस पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम बींग द ईयर इन विच लाइबिलिटी इज इनकर्ड. आपको इस क्वेश्चनेयर का बहुत सही यूज लेना है तो मैं आपको बताऊं क्या करो. सबसे पहले क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन देखने के बाद ट्राई करो कि एक रफ रजिस्टर में तुम इसके आंसर लिख सको, भले ही टूटी फूटी लैंग्वेज में ही सही, पर तुम इसके आंसर लिख करके एक बार ट्राई करो. क्वेश्चनेयर का सबसे बेस्ट यूज आपको इस तरीके से हो सकता है कि जो क्वेश्चन दिए हैं इसको खुद ब खुद प्रोविजन पढ़ के आप इसको सॉल्व करो, और इसके बाद जो यहां पे आंसर्स दिए हैं उसके साथ मैच करो. ढूंढो कि कहां कहां गलती है, ढूंढो कि कहां क्या पॉइंट मिसिंग है, वो पॉइंट बस आपको इंक्लूड करना है. आपको बहुत बेहतर मार्क्स आ जाएंगे, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है. बहुत बेहतर मार्क्स आएंगे, कुछ डरने की जरूरत नहीं है. गेटिंग इट और नॉट? तो सर डरना नहीं है, प्रोविजन का आंसर आता है, रफ पेज पे लिख के ट्राई करो. क्वेश्चन भी आपके पास है, आंसर भी आपके पास है. मैं जानता हूं इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये टाइम अगर आपको 6 महीने का बचाना है तो 10 मिनट का टाइम तो आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना मेरे भाई. यस और नो? इस फास्ट ट्रैक का भी आपको सबसे ज्यादा यूज तभी होने वाला है, राइट. थर्ड, MNO paid 55,000 as tax on non-monetary perquisite paid by an employee. याद होगा तो ये कंसेप्ट 40A का है कि भैया एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई नॉन मॉनेटरी टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे किया है, अलाउ या डिसअलाउ? कंप्लीटली डिसअलाउ. एम्प्लॉय की एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर कर रहा है, अलाउ नहीं होने वाले. सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 40A. इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइडेड टू इट्स एम्प्लॉय is exempt in the hands of employee as per section 10(10cc). As per 40A, such income tax paid by employer is not deductible while computing the business income. Therefore, 55,000 paid by MNO Limited in respect of non-monetary perquisite would not be allowed as deduction in computing the business income. Disallowed. 32,000 paid by S Limited in cash to a transporter फॉर कैरेज ऑफ गुड्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. बहुत बढ़िया साहब, ट्रांसपोर्टर को पे किए हैं. दिल से आपके सेक्शन अब तक आ जाना चाहिए. बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा 40A3. 40A3 कहता है एनी पेमेंट मेड टू एनी पर्सन इन अ डे फॉर सिंगल बिल एक्सीडिंग 10,000 और 35,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ECS और स्पेसिफाइड मोड रूल 6A BBA में. सो सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड. हालांकि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को 35,000 रुपीज तक के कैश पेमेंट किया जा सकता है. अब इस एग्जांपल में देखना, पेमेंट किसको किया जा रहा है? मालिक ट्रांसपोर्टर को. कितना दिया जा रहा है? 32,000. 35,000 तक के तो कैश अलाउड ही है. अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा? अलाउ होगा. किसका रेफरेंस लेना पड़ेगा? 40A3 का. सो अलाउेबल एज डिडक्शन. द लिमिट फॉर अट्रैक्टिंग द डिसअलाउंस फॉर 40A3 वर्ड देखो कितने प्यार से चालू किया. द लिमिट फॉर अट्रैक्टिंग डिसअलाउंस, जो लिमिट है डिसअलाउंस अट्रैक्ट करने की. सो द लिमिट फॉर अट्रैक्टिंग द डिसअलाउंस एज पर 40A3 अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट इज 35,000 इन केस ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्लाइंग हायरिंग लीजिंग कैरेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट. Therefore, in the present case, no disallowance under 40A3 is attracted in the hands of S in respect of 32,000 made in cash for goods. देखिए, आप अगर सिर्फ इतना लिख के आओगे ना, it is allowed because payment to transporter up to 35,000 in cash is allowed. Examiner ने आपको ना, मान लो अगर ये concept 2 mark का होगा,
सपोज अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपको लेट अस अंडरस्टैंड दो दो मार्क के लिए ईच भी पूछा है, दो दो मार्क के लिए ईच भी पूछा है, आपने ट्रू लिख दिया और एक लाइन में लिख दिया ना, मे भी आपको सिर्फ वो 1 मार्क्स देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जामिनर का यहाँ पे ये है कि सिर्फ आप अलाउ डिसअलाउ मत लिख करके आओ, उसके साथ साथ प्रोविजन भी लिख करके आओ। तो सिर्फ एक लाइन मत लिख के आना, दिस इज अलाउड बिकॉज 35,000 इन कैश तक अलाउड है, यही आप गलती कर दोगे, नॉलेज होने के बावजूद गलती कर दोगे। प्रोविजन लिखो, वो आपसे प्रोविजन चाह रहा है, आप लॉ के अंदर है, इनकम टैक्स इज अ लॉ, आप लॉ के अंदर में, लॉ की प्रोविजन आपको लिखनी होगी, लॉ की प्रोविजन आपको लिखनी होगी, तब जाके तो आपको मार्क्स मिलेंगे। पी लिमिटेड पेड 80,000 इन कैश फॉर परचेज ऑफ वीट फ्रॉम अ फार्मर ऑन अ बैंकिंग डे, ये भी कंसेप्ट आपको याद दिला दूं किसके थ्रू है, रूल 40A3 रीड विथ रूल 6DD, कुछ याद आ रहा है तुम्हारे को? रूल 6DD एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि भैया इन लोगों को कैश में पेमेंट किया तो अलाउड रहेगा, उसमें से वन ऑफ द पेमेंट टू फार्मर भी कवर है सेट सेट, उसमें से वन ऑफ द पेमेंट टू फार्मर भी कवर है कि फार्मर को जो पेमेंट किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो क्या ये अलाउ होने वाला है? सर बिल्कुल अलाउ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज पर रूल 6DD। कुछ नया लग रहा है? सारी बातें डिस्कस करी हुई लग रही है। एज पर रूल 6DD पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डायरेक्ट टू कल्टीवेटर ग्रोअर प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नो डिसअलाउंस अंडर 40A3 इज अट्रैक्टेड इवन इफ द कैश पेमेंट एक्सीड 10,000, देयर फॉर Disallowance under 40A3 would not be attracted in this case since cash payment for purchase of wheat is made directly to the farmer. Yes, sir. Question number 6 के ऊपर आते हैं। Concept किसके ऊपर based है साहब? Depreciation and additional depreciation के ऊपर ये concept based है। चलो पढ़ते हैं। एक्स अ प्रोप्राइटर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब एक बात ध्यान रखना, ये वर्ड को जरा आप है ना हमेशा अंडरलाइन करके रखिएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फर्निशेस यू द फॉलोइंग डिटेल्स, ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज अ प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इसके लिए रेट डिफरेंट होते हैं, तो हमें कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे पहले इसका दिमाग आपका घूमना चाहिए कि बॉस हमें दो चीजें बनानी पड़ेगी, इस तरह का कोई फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ेगा, एक प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा पर्टिकुलर्स, क्योंकि इस पे जो डेप्रिसिएशन रेट है ये 15% है, इस पे जो डेप्रिसिएशन रेट है ये 40% है, राइट? तो इस तरह के दो कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है सर? ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आओ मेरे साथ, ओपनिंग WDV कितना होने वाला है, ओपनिंग WDV कितना होने वाला है चेक करो, यहां पे एक एक जीरो आपको और ऐड करना है, जस्ट डू दिस सिंपल, वो वर्ड में एक जीरो कट हो गया है, एक एक जीरो यहां पे प्लीज और ऐड कर दीजिए, डन। चेक करो, ओपनिंग WDV आप सभी को दिया हुआ है, चलो ओपनिंग WDV यहां पे ले लेते हैं 30 लाख रुपीस, बराबर है? ये हुआ ओपनिंग WDV। कंप्यूटर तो नया इंस्टॉल किया है, मशीनरी अगर देखोगे, आपको पता है डेप्रिसिएशन कब से मिलता है? जब से वो पुट टू यूज होता है। अब अगर यहां पे देखोगे तो आप पुट टू यूज ये हुआ है जून के अंदर में, मतलब ये मोर देन 180 डेज यूज हुआ है, और ये दूसरा जो हुआ है ये दिसंबर में हुआ है, मतलब लेस देन 180 डेज हुआ है। याद करो इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन अगर 180 दिन से ज्यादा यूज किया तो फुल, अदरवाइज हाफ, क्या तुम्हें याद है? सो कैन आई से, कैन आई से इसका और इसका मुझे फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा? यस, यहां पे एडिशन करते हैं, एडिशन असेट्स एक्वायर्ड ऑन 15 जून, ये आ गया बेटा 20 लाख रुपीज, ये भी एड बैक हो जाएगा। कुछ असेट बाद में लिए हैं, एक और एडिशन हुआ, एडिशन के वक्त तो हम पूरा लिखेंगे 8 लाख रुपीज,
कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया ये ऑफिस प्रमाइसेस में किया। वर्ड्स के ऊपर बड़े फोकस करने पड़ेंगे क्योंकि आपको याद होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता अगर वो ऑफिस प्रमाइसेस के अंदर में इंस्टॉल किया है तो। यस, पर यू नो हम असेट्स एक्वायर्ड में तो लिख सकते हैं फॉर लेस देन 180 डेज के अंदर में 3 लाख रुपीज। सेल कुछ है नहीं, क्लोजिंग WDV आ जाएगा 58 लाख का और यहां पे 3 लाख का, बराबर है। अब जब डिप्रिसिएशन निकालने की बारी आती है, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 50 लाख पे 15%, क्योंकि ये दोनों मोर देन 180 डेज यूज हो गए, इस पे तो 15% रह गए ओपनिंग WDV पे, ये 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है, 8 लाख पे 7.5%, बराबर। कंप्यूटर की अगर बात करूं, कंप्यूटर की अगर बात करूं, डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ना सेठ, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, 3 लाख इंटू 20%। सर 20% क्यों? कंप्यूटर पे रेट है बेटा 40% का, लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो 20% आएगा यहां पे, से यस और नो। अब अगर बात करें हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की, प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा क्या? यस, जो पहला परचेज किया इस पे 20% का क्योंकि 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है, दूसरा परचेज किया इस पे 10% का क्योंकि लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, एंड बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर। यस, बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। चेक, सबसे पहले जब भी आप कुछ बेसिक गलतियां क्या करेंगे, आपको पता है डेप्रिसिएशन निकालने बोला तो तुम क्या करोगे, WDV कैलकुलेट ही नहीं करोगे, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, यहां आपके मार्क्स कटेंगे। सबसे पहले आपको एक WDV बनाना चाहिए, अगर आप ये बनाते हो तो यहां पे आपके मार्क्स गेन होते हैं। आप इमेजिन कीजिए, इसके पहले कभी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आया, तुमने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन के लिए बना दिया, गलत। सबसे पहले WDV बनाओ क्योंकि डेप्रिसिएशन का होल एंड सोल कंसेप्ट ही WDV पे बेस्ड है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 को याद करो, पहले WDV बना के दिखाओ उनको, WDV बनाने के बाद फिर क्या करो, डेप्रिसिएशन का कॉलम बनाओ। सो ये देखो 30 लाख बराबर है, इसके बाद डेप्रिसिएशन 50 लाख। 50 लाख कैसे आया, 30 लाख प्लस 20 लाख बचे हुए 8 लाख पे 7.5% के हिसाब से आया, फिर 20% के हिसाब से कंप्यूटर के ऊपर आया, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20 लाख वाले पे 20%, 8 लाख वाले पे 10%, आपका टोटल डेप्रिसिएशन बाहर आ गया। यस और नो, रीड द नोट्स, नोट्स रीड करो, ये नोट्स मैंडेटरी है, नोट्स रीड करो, नोट्स मैंडेटरी है।
डन सर, लेट स्टार्ट। भाई साहब एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड है। आप सभी को पता होगा कि ये इंटर लेवल की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आते हैं। सो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धवल कमेंसेस प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स इन हिज ऑफिस। एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम। ठीक है भैया, अज्यूम दैट ऑल असेट वेयर परचेज बाय अकाउंट पे चेक। आपको पता ये लाइन जरूरी क्यों थी? क्योंकि फिर अगर आपको याद हो तो हम एक्चुअल कॉस्ट के अंदर में ऐड नहीं करते अगर वो अकाउंट पे चेक से परचेज नहीं करता तो, इसलिए जरूरी थी। वैसे नहीं लिखा होता तो भी हम यही अज्यूम करते कि इसने वैलिड मोड से परचेज की है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सितंबर को एक्वायर किया लेकिन पुट टू यूज किया किस कब बेटा? अक्टूबर के अंदर में। क्या मिलेगा बेटा? हाफ। कंप्यूटर यूपीएस, कंप्यूटर यूपीएस 8 अक्टूबर। अच्छा यहां पे हमें डेट देखनी पड़ेगी एग्जैक्टली। हम पहले वाले को हाफ नहीं कह सकते, हमें डेट देखनी पड़ेगी। दूसरे वाले को हम हाफ कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थिंग। कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर एक्सेसरीज। देखो आपका क्या नॉलेज चेक किया है, आपका नॉलेज चेक किया है कि भैया किस असेट पे क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस आर 12,000, इन टोटल 13,000। ठीक है। ऑफिस फर्नीचर एक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग सीए 1 अप्रैल। ठीक है। लैपटॉप परचेज्ड है 8 अक्टूबर को। बहुत बढ़िया बेटा। क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है हमें। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर छोटे से बात करें तो सबसे पहले कर लो ऑफिस फर्नीचर। देखिए कुछ चीज जिसको आपको बहुत क्लियर कट पता है ना, या जिसमें कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं, उसको सबसे पहले ले लो। फर्नीचर की अगर हम बात करें तो फर्नीचर के ऊपर 10% लगने वाला है 1 अप्रैल से। मतलब पूरा 10% मिल जाएगा। 3 लाख × 30% यहाँ पे आ जाएगा। पर्टिकुलर रुपीज रुपीज नाम का फॉर्मेट बनने वाला है। ठीक है सर। दूसरा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर आइटम्स लाइक प्रिंटर्स यू नो अदर थिंग, ये सारी चीजें आती हैं 40% के ऊपर। फर्दर बुक्स के ऊपर भी रेट 40% का है अगर आपको याद हो तो। बुक्स के ऊपर भी रेट जो है ये 40% का है अगर आपको याद हो तो। अब एक एक करके नीचे आते हैं। सबसे पहले फर्नीचर, इसका आया 10%। दूसरा आता है प्लांट एंड मशीनरी। अब अगर तुम देखो ये प्लांट में आएगा, ये भी प्लांट एंड मशीनरी में आएगा, ये भी प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। बराबर है। सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 अक्टूबर को जो परचेज किया ये पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज हो रहा है 40%। जो 8 अक्टूबर को है पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज 20%। कंप्यूटर प्रिंटर पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज 40%। लैपटॉप इज ऑल्सो प्लांट एंड मशीनरी 43,000, इसको पुट टू यूज किया 8 अक्टूबर को 20%। और लास्ट बचता है बुक्स 1 अप्रैल को, इसके ऊपर आएगा बेटा 40%। ये हुआ 34,500, ऊपर आया 34,500, टोटल अलाउड 64,500। यानी एक वर्किंग नोट बनी हर एक ईच आइटम का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए और एक वर्किंग नोट बनी टोटल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। रीड द नोट। ये नोट लिखनी जरूरी हो जाएगी जब भी असेट 180 डेज से कम यूज हुआ है, ये नोट लिखनी मैंडेटरी हो जाएगी। डन। चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता होगा
सेक्शन 35 के अंदर में अमेंडमेंट आया है। सेक्शन 35 के अंदर में अमेंडमेंट आया है, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड था ये। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर में हम लोग क्या करते थे, पहले वेटेड डिडक्शन देते थे 125% का, 150% का। फाइनेंस एक्ट 2020 से इन सारे वेटेड डिडक्शंस को खत्म कर दिया गया है, इन पे मैक्सिमम 100% ला दिया गया है, क्या तुम्हें याद है? तो बस उसी कंसेप्ट के ऊपर, अमेंडमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। जिन जिन लोगों ने अमेंडमेंट लेक्चर देखा है या जिन लोगों ने ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर देखे होंगे, उनने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे साथ सॉल्व किए हैं। आइए फटाफट देखते हैं। मिस्टर ए फर्निशेस यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कंप्यूट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड था। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड एसोसिएशन, IIS, नोटिफाइड है, 100% पे ला लो। IIT अप्रूव्ड रिसर्च प्रोग्राम, 100%। अमाउंट पेड टू कंपनी विच इज रजिस्टर्ड, मेन ऑब्जेक्ट जिसका रिसर्च है, 100%, क्या तुम्हें याद है? चार्ट बनाया था बेटा पूरा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 100%। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़ो, बचे हुए 2,50,000 का, 100%। Yes. तो अब ये जो सेक्शन 35 के क्वेश्चन है, ये बड़े इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, आप कभी भी से आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हैं। सर फॉर्मेट क्या होना चाहिए सेक्शन 35 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले फॉर्मेट होना चाहिए सर आपका पर्टिकुलर्स, बराबर है, उसके बाद रुपीस, परसेंटेज और आपका डिडक्शन। ये फॉर्मेट सबसे इजी फॉर्मेट हो सकता है इसको सॉल्व करने का। अल्टरनेटिवली आज जब सभी 100% है, अल्टरनेटिवली आप स्ट्रेट पर्टिकुलर्स और रुपीस भी डाल सकते हो, ये अल्टरनेटिव है। अगर आपको इंडिविजुअल हरेक को अलग दिखाने की इच्छा है, इस तरह से सॉल्व करो। अल्टरनेटिवली ये भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जहां पे पर्टिकुलर्स IIS लिख दो, इसके नीचे लिख दो नाउ 100% डिडक्शन इज अलाउड, और यहां डायरेक्टली आंसर डाल दो। दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों फॉर्मेट को यूज किया जा सकता है। सो चेक करिए, 1 लाख का 100%, 2,50,000 का 100%, 4 लाख का 100%, 3 लाख का 100%, और यहाँ पे 2,50,000 का 100%। मेजरली इंपॉर्टेंट यही है, टोटल डिडक्शन अंडर 35 निकल जाएगा। नोट लिखनी होगी दैट लैंड इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यस, नोट पढ़िए। डन सर, शानदार। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 9 काय के ऊपर बेस्ड है, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर का ये क्वेश्चन बेस्ड है। स्पेसिफाइड बिजनेस याद करो कुछ, स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है अदर देन लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यस और नो? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप इनकर कर रहे हैं उसका डिडक्शन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के अंदर में ही जब आपने इनकर किया है। प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के भी खर्चे आपको डिडक्शन बोल के मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया हो। जो असेट एक्वायर किया उसको 8 इयर्स तक के होल्ड करना पड़ेगा, 8 इयर्स से पहले आपने सेल कर दिया तो डिडक्शन माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन विल बिकेम योर बिजनेस इनकम। उसी बेस पे कंसेप्ट है 35AD। चलिए एक एक वर्ड रीड करते हैं सबसे पहले। अच्छा एक और पॉइंट आपको याद दिला दूं, ये असेट आज के तारीख में अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS या अदर प्रिस्क्राइब मोड रूल 6ABBA वाले के होना चाहिए, नहीं तो उसको 35AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो भी याद रखिए। मिस्टर ए कमेंस द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, एडिबल ऑयल। तीन बिजनेस में है मेरे भाई, फूड ग्रेन, एग्रीकल्चर हो गया, शुगर। एक मिनट, ये 35AD में आ गया, ये 35AD में आ गया, लेकिन एडिबल ऑयल ये आपका नॉर्मल बिजनेस होगा। देखो क्या जबरदस्त टेस्टिंग हुई है आपकी, आपको 35AD वाले बिजनेस याद है या नहीं याद है ये टेस्ट कर लिया उनने। फूड ग्रेन इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सो इफ यू आर इनटू वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 35AD में आते हो आप। वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर इज ऑल्सो अ सेपरेट एंट्री इन 35AD, वो भी यहां पर आते हो, पर एडिबल ऑयल आपका नॉर्मल बिजनेस बनेगा, सेपरेट बिजनेस बनेगा, वो आपका 35AD नहीं बनेगा। यहां पर आपकी टेस्टिंग हो गई, अगर कोई ये फिल्टर क्रॉस कर पाया तो वो आगे जाएगा, नहीं तो वो यही पूरे प्रॉब्लम को गलत कर देगा। क्वेश्चन ना कम रखो लेकिन बेहतर रखो, ये बस सोचती मैं चाहता तो इस बुक के अंदर मैं और 100-150 क्वेश्चन इंसर्ट कर देता, बट मेरे भाई लॉजिकली उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
कोई मतलब नहीं रह जाएगा, जितना करो बेहतर करो, क्योंकि पहली बात तो तुम्हारे पास टाइम कम है, दूसरी बात टाइम, क्योंकि देखो तुमने रेगुलर क्लास के अंदर में भी क्लास किया होगा, एक बात समझना, ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारे पास टाइम कम है और उसमें वैरायटी कवर करनी है, सो दिस इज द थिंग। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख। अब दिमाग लगाना, सुन मेरी बात, 35 AD से बिजनेस से रिलेटेड तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को तेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, जो जो तेरा 35 AD वाला बिजनेस नहीं है इसमें तुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा नहीं, इस पे तुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा ऑन कैपिटल एसेट। दिस शुड बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि अगर तुम 35 AD में हो तो तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं मिलता अंडर सेक्शन 32, अगर तुम 35 AD में नहीं हो तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, उल्टा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है तुम्हें, तो इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तू। ऑन परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सो ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 80 लैक्स, 60 लैक्स, 50 लैक्स रिस्पेक्टिवली ऑन परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड January 20 टू March 20 एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ लैंड इनकर्ड इन द अबव फिगर इज 50, 40 एंड 30। लैंड का तो डिडक्शन मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है, लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहां पे एक हिडन एडजस्टमेंट समझना, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो सबसे पहले तो, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो सबसे पहले तो, यहां हिडन एडजस्टमेंट पता ही क्या है, आपने टोटल नॉन एलिजिबल बिजनेस की बात कर रहा हूं, एडिबल ऑयल वाले, एडिबल ऑयल वाले बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर था 50, यहां लिखा है, इसमें से लैंड का कॉस्ट है 30, तो जो डेप्रिसिएशन में मिलेगा वो 20 के बेसिस पे मिलेगा, बिल्डिंग है तो उसका 10%। इतना दिमाग आपका चलना चाहिए, यस, इतना दिमाग आपका चलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, पर उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता इसलिए हमने 30 माइनस किया, बैलेंस कितना बचा 20, सिंस बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन रेट वुड बी 10%। एक मिनट, उसमें भी दिमाग लगाना, मोर देन 180 डेज यूज या लेस देन 180 डेज यूज, इस बारे में आपको कोई रेफरेंस नहीं मिला है, बस इतना बोला है कि कैपिटलाइज किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1 अप्रैल को, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मोर देन 180 डेज यूज हुआ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लैक्स, 15 लैक, 10 लैक फॉर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग परचेज एंड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। कुछ और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर, आपको क्या लगता है इसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा? यस, नॉर्मल बिजनेस के लिए इसके भी डेप्रिसिएशन लेने होंगे। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड ऑफ PGBP फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 एंड द लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड अज्यूमिंग दैट ए हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशन अंडर 35 AD एंड हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर Chapter 6A हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स प्रॉफिट। अच्छा, ये लाइन क्यों लिखी आपको पता है? ही हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर Chapter 6A, क्योंकि जब आप 35 AD में होते हो तो आपको पता होगा 35 AD के अंदर में आपने डिडक्शन क्लेम किया तो Chapter 6A पार्ट सी के डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, AT, IA to IE वाले, याद करो इसकी हिस्ट्री समझाई थी मैंने आपको। द प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयरहाउस स्टोरेज एडिबल ऑयल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन इज 16 लाख रुपीज, ठीक है सर, क्या दिया है आपको? प्रॉफिट दिया है। इज बिजनेस प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स? यस, 14 लाख, 31 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो अज्यूम इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड पेमेंट आर मेड बाय अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और थ्रू यूज ऑफ ECS बैंक अकाउंट। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? मेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम को आपने दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, एक बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस का कंप्यूटेशन, एक 35 AD वालों का कंप्यूटेशन, एक नॉर्मल बिजनेस का कंप्यूटेशन, दूसरा 35 AD वाले का कंप्यूटेशन, बराबर है? आओ इधर, सबसे पहले एडिबल ऑयल का स्टोरेज, इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है नीचे आपको दिखेगा 31 लाख रुपीज, इस प्रॉफिट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा नहीं, डेप्रिसिएशन मिलेगा, यस, डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा जरा सोच के देखना। सबसे पहले 50 लाख का आपने लैंड एंड बिल्डिंग लिया था, उसमें से 30 लैंड का माइनस किया तो बचा 20, 20 का कितना परसेंट? 10%।
वाई यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, लैंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन प्लस 10 लाख एडिशन टू WDV। याद होगा तो ये 10 लाख रुपए एडिशनली खर्चा किए थे उसके रिपेयर्स एंड कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो 20 प्लस 10 उसका 10%। ये जो आखिरी में 10 खर्चा किया है इसकी डेट नहीं लिखी है, हमने अज्यूम किया मोर देन 180 डेज क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वर्ड यूज किया है। सो 31 में से 3 माइनस किए 28 योर PGBP, ये हो गया नॉर्मल बिजनेस, बिल्कुल बाजू कर दो। ये अगर आपने सही क्रैक कर लिया तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम इजी बन जाएगा, पर मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। एक और वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, बेनिफिट अंडर 35AD, बेनिफिट अंडर 35AD। अब इस बेनिफिट अंडर 35AD को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फूड ग्रेन बिजनेस, शुगर बिजनेस में भी अ टोटल का कॉलम बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट्स लिखने पड़ेंगे, इसमें से लेस डिडक्शन अंडर 35AD, और जो 35AD के डिडक्शन है वो माइनस करने पड़ेंगे। यस, सो कंप्यूटेशन अंडर 35AD, सबसे पहले प्रॉफिट्स प्रॉब्लम के अंदर में दिए हैं 16 एंड 14, बराबर है, इसका टोटल आपने कर लिया क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से आ सकता है और इसे एक हेड मानना पड़ेगा, तो आपने टोटल का कॉलम बना लिया, टोटल का कॉलम बना लिया। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने किए हैं प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो भी माइनस कर सकोगे। यस, 30 एंड 20, पूरा 50 माइनस हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड अलाउड नहीं है तो लैंड की कॉस्ट एक्सक्लूड करके की गई है। यस, इसके अलावा आपने जो खर्चे किए हैं वो और इसमें से हटा दिए गए, 100% डिडक्शन मिल गया। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी इंडिविजुअली देखा जाए तो फूड ग्रेन से 34 का आपको लॉस आ रहा है, यहां 21 का आपको लॉस आ रहा है। प्रॉफिट में से आप देखो इतनी कॉस्ट माइनस करो, 35 माइनस 14 करो, आपको 21 आ जाएगा, 55 इज द लॉस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। याद दिलाता हूं, अब एक सवाल यहां पे आएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, ये पॉइंट लिखना होगा, ये हिडन एडजस्टमेंट है। स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है, नॉर्मल बिजनेस इनकम है, क्या ये सेट ऑफ होगा? नहीं, याद करो सेट ऑफ की प्रोविजन, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस, वो पॉइंट यहां पे मेंशन करना होगा और ये नोट्स लिखनी होगी। रीड द नोट्स राइट नाउ, मेरे साथ साथ रीड करते चलो। डन सर, ये भी पढ़ो, फोर्थ नोट। डन, दैट्स इट मालिक, बड़े आगे। चलो जी, सो 35AD का एक बेहतरीन क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन आपको 35AD का आ रहा है मालिक, इसको सेल्फ करिएगा। अगेन क्वेश्चन 35AD का है, सेल्फ कर सकते हो बिंदास। एक और क्वेश्चन 35AD का,
लेट अस डू इट. अर्णव इज अ प्रोप्राइटर ऑफ टू यूनिट्स. ए कैरीज ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर शुगर. यूनिट बी कैरीड आउट नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल. यूनिट ए कमेंस द ऑपरेशन इन 2019 एंड क्लेम डिडक्शन ऑफ 100 लाख इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ टू बिल्डिंग 50 लाख ईच फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर. हाउएवर इन फेब्रवरी 21 यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी. याद करो ये कंसेप्ट किस चीज के ऊपर बेस्ड है. कंसेप्ट बेस्ड है अ सेट यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस. अ सेट यूज्ड इन स्पेसिफाइड बिजनेस ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस. यहां आपको याद हो तो दो अलग अलग सेक्शन का रेफरेंस हम लोगों को लेना पड़ेगा. दो अलग अलग सेक्शन का रेफरेंस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा. पहला रेफरेंस मैं आपको बताता हूं. अगर कोई एसेट जो 35 एडी के अंदर में यूज हुआ है इसको आप काय में कन्वर्ट कर देते हो, नॉन बिजनेस के अंदर में कन्वर्ट कर देते हो, तो फिर जो भी आपका डिडक्शन आपने क्लेम किया है माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन, माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन जो है ये आपकी डीम्ड इनकम बन जाएगी पीजीबीपी की. सबसे पहली एक बात, क्यों? क्योंकि एसेट लिया और 8 इयर्स के अंदर में आपने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया. लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो मालिक क्या रखे हुए हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हो आपने क्या रखे हुए हैं. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे ज्यादा रखे हुए कि जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप कवर कर सको. यस और नो, साइज मैटर नहीं करता बेटा क्वेश्चन का, ये बड़ा है या छोटा है. मैटर ये करता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है कि नहीं. पहला पॉइंट, अगर 35 एडी में कोई एसेट एक्वायर किया तो उसको 8 साल के अंदर में आपने बेच दिया, तो जितना डिडक्शन आपने क्लेम किया था माइनस नोशनल डेप्रिसिएशन आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस इनकम बन जाएगा. दूसरी बात, अब ये असेट कहां से निकल के आ गया, स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉर्मल बिजनेस में निकल के आ गया. नॉर्मल बिजनेस में अब हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मान के असेट ट्रीट करेंगे, तो WDV क्या लेंगे इस चीज के लिए, हमें 43(1) एक्चुअल कॉस्ट में जाना होगा. एक्चुअल कॉस्ट 43(1), इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्सप्लेनेशन 13 आपसे ये कहता है कि सर अगर कोई असेट स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज हुआ है, इसे नॉर्मल बिजनेस के अंदर में लेकर के आया, नॉर्मल बिजनेस के अंदर में क्या किया, लेकर के आया, तो जितनी इनकम 35 एडी के तहत टैक्स्ड हुई है वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी. वो उस एसेट की क्या बन जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट. सो आइए जरा समझते हैं फिर से इस क्वेश्चन को. लेट अस अंडरस्टैंड, यूनिट ए 2019 में आया था, 100 लाख का डिडक्शन क्लेम किया था, दो बिल्डिंग परचेज किया था, ठीक है. यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग, ए की बिल्डिंग ट्रांसफर किया, मतलब 100 लाख का गेम नहीं है, गेम है 50 लाख का, ठीक है. किसको ट्रांसफर कर दिया, यूनिट बी को. एक्वायर कब किया था, सपोज कर लेते 2019 में एक्वायर किया था, यस. फरवरी 2020 में ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपका 1920 का डेप्रिसिएशन आएगा मालिक एक साल का. सिंस बिल्डिंग है तो 10% इज द डेप्रिसिएशन रेट, ये हो गया 5 लाख. तो आपका इनकम बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा 45 लाख, और यही 45 लाख एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा अंडर सेक्शन 43(1) फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन. क्योंकि एक बार असेट अब नॉर्मल बिजनेस असेट बन गया, वो स्पेसिफाइड बिजनेस असेट नहीं रहा, नॉर्मल बिजनेस असेट बन गया, तो अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो 45 लाख रुपीज एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा. मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट. सिंस कैपिटल असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन 50 लाख वॉज क्लेम्ड इन 35 AD हैज बीन ट्रांसफर्ड बाई यूनिट ए टू यूनिट बी कैरिंग नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, द डीमिंग प्रोविजन ऑफ 35 AD 7B शैल अप्लाई. डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन 10%. वाई क्या है बेटा, ओ बेटा जी ये क्या है, बिल्डिंग, इसलिए 10%, 45 लाख रुपीज. फर्दर बाय एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1) कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32. 50 में से आपने जितना डिडक्शन डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेसी, तो ये आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी. जितने में आपने एक्वायर करी थी वो, इसमें से अब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी.
सो एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? एक्चुअल कॉस्ट शेल बी एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे जब पहले साल में आप इंट्रोड्यूस करोगे जितना अमाउंट वहाँ पे टैक्सेबल होता है, शॉर्टकट में इतना ही अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। डन सर, मालिक बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, कंसेप्ट किसका बेस्ड है? 40B, पार्टनर्स रेमुनरेशन की बात करी थी हम लोगों ने। पार्टनर्स रेमुनरेशन मैक्सिमम कितना अलाउड है, इस कंसेप्ट के ऊपर बात करी थी हमने। ये बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है आज? आज ये बेचारा प्यार नहीं कर रहा मेरे को। पीजीबीपी है, तू भी प्यार नहीं करेगा, ऐसा करेगा तू? ऐसा मत करना, बच्चों का भविष्य का सवाल है, समझा कर। आओ इधर। सो हमने 40B पढ़ा था मालिक, 40B के अंदर में क्या पढ़ा था? पार्टनर्स को मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन अलाउड है, क्या तुम्हें याद है? पार्टनर्स को मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना अलाउड है? आपको याद हो तो पार्टनर्स का मैक्सिमम रेमुनरेशन जो फर्म को अलाउ होगा वो 40B के हिसाब से अलाउड होगा, बुक प्रॉफिट के बेसिस पे अलाउड होगा। अप टू फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट कितना होता है बेटा बताओ? 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर। बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर 60%, याद आ रहा है तुमको? अ फर्म हैज पेड 7,50,000 एज रेमुनरेशन टू द पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द पार्टनरशिप डीड। याद होगा तो रेमुनरेशन पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए, राइट? इट हैज अ बुक प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख का बुक प्रॉफिट है। पहले 3 लाख पे 2,70,000, बचे हुए 7 लाख का 60%, 7 6 42, 6,90,000। आपने कितना पे किया है? 750। 750 अलाउ कितना है? 690। एक्सेस डिसअलाउड, डन मालिक। आओ ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भाई साहब, भाई साहब काय के ऊपर बेस्ड है? भाई साहब 44AE, ओइले 44AE के ऊपर बेस्ड है। क्या है 44AE? याद कर बेटा, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का प्रिजम्प्टिव इनकम निकालना होता है। गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का प्रिजम्प्टिव इनकम निकालना होता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर में आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन आपको मॉड्यूल के अंदर में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1/4/20। ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर 2021। कंप्यूट द डिडक्शन अंडर 44A। वुड योर आंसर चेंज इफ गुड्स व्हीकल परचेज इन अप्रैल 20 वेयर पुट टू यूज इन जुलाई 20। आओ एक मिनट याद करते हैं। सबसे पहली बात प्रोविजन को याद करते हैं। 44AE का प्रोविजन क्या था याद कर मेरे भाई? 44AE का प्रोविजन था अगर वो हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब 12,000 टन के ऊपर, यस 12,000 केजी के ऊपर, मतलब 12 टन के ऊपर का अगर व्हीकल है तो वो हैवी गुड्स व्हीकल होगा। तो सबसे पहले यहां पे देखा जाए तो ये दो हैवी गुड्स व्हीकल होंगे, बचे हुए अदर गुड्स व्हीकल हो जाएंगे, यस और नो? अच्छा जी, अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो प्रेजेंटिव इनकम इज 1,000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल और ड्यूरिंग द और पार्ट ऑफ द मंथ अकॉर्डिंगली। अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल 7,500 पर मंथ पर व्हीकल और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच असेट इज ओन्ड। असेट इज ओन्ड, नॉट पुट टू यूज, इट इज इट ओन्ड। अच्छा जी, चलो ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले अगर मैं हैवी गुड्स व्हीकल की बात करूं आपसे, सो पहला 15,000 केजी का है, तो 1,000 × 15, 1,000 per ton पर मंथ। अब कितने मंथ का हो गया जरा देखना। अगर आपने अगस्त 29 को लिया है तो पूरा अगस्त काउंट होगा, पार्ट ऑफ द मंथ इज कंसिडर्ड एज होल मंथ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। कितने व्हीकल थे? कितने व्हीकल थे सरदार? दो। आ जाओ, 1,000 per ton per month पर व्हीकल। एक और बोल रहा है वो
1015 टन फरवरी 23 को लिया है। फरवरी भी काउंट होगा? यस, फरवरी और मार्च, 2 × 1, ये हो गया हैवी गुड्स व्हीकल। अब आते हैं अदर गुड्स व्हीकल के ऊपर। अदर गुड्स व्हीकल के ऊपर कितना दिख रहा है बेटा? 1 अप्रैल में लिया हुआ है, 7500 इंटू 2 × 12 मंथ्स, दो व्हीकल है, पूरे 12 महीने यूज हुए हैं। नेक्स्ट आता है बेटा 7500 × 1 × 1, मार्च में लिया गया है, 7500 × 3 × जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो रहे मालिक? 9 मंथ्स। सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन इंटू जनवरी में लिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कर लो इन सब की टोटल, कर लो इन सब की टोटल, चेक करो कितना आता है, चेक करो कितना आता है। वन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन, सॉरी, 1000 × 15 × 8 × 2, ये आ रहा है बेटा 2,40,000। 1000 × 15 × 2, ये आ रहा है 30,000। 7500 × 2 × 12, 1,80,000। 7500 2025 22500, डज इट कम टू 682500? ये रहा आपका आंसर, 682500। डन बेटा, चेक कर इधर, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए अलग निकाला, लाइट गुड्स व्हीकल के लिए अलग निकाला। सबसे पहले 44A, देखो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, एक गलती तुम क्या करते हो तुमको पता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो तुमसे प्रैक्टिकल सॉल्व करते हो, गलत गलत गलत, पूरा गलत, आहा ना चल बे, नो मीन्स नो। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है तो जिस क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उसका आपको एटलीस्ट थोड़ा थ्योरी लिखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहां मार्क्स करते हैं, यही रैंकर आपसे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एक्स्ट्रा लेकर के चल जाता है। आप गलती क्या करते हो, आप सीधा जाते हो इस तरीके का कोई चार्ट बनाना शुरू कर देते हो, गलत। सबसे पहले जाके 44A ही लिखो। 44A में हैवी गुड्स किसको बोलेंगे, लाइट गुड्स किसको बोलेंगे, हैवी गुड्स के लिए कितना, लाइट गुड्स के लिए कितना, आंसर चालू करने से पहले भी मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी। यू जस्ट डू इन द सेम मैनर, आप वहां पे थ्योरी लिख के आओ, कैसे नहीं मिलेंगे मार्क्स? आप सिर्फ सी आप सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्व करके आओगे, आप एक्सपेक्ट करोगे आपको मार्क्स दे देंगे, गलत है। सर ये क्यों गलत है? आंसर तो सही है। अरे गलत है, क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल हो, अंडरस्टैंड करो इंस्टीट्यूट तुमसे ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही है। तुम एक प्रोफेशनल हो, जब क्लाइंट हमारे पास आता है, बराबर है, क्लाइंट को ये लॉ एक्ट सारी चीजें समझे, ये जरूरी तो नहीं ना, जरूरी थोड़ी ना, ये वो कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा, उसको भी सारी चीजें समझती होगी, वो साइंस बैकग्राउंड वाला हो सकता है, मे भी उसने पढ़ाई नहीं होगा, बिजनेस में आया होगा। अब उसे हम सबसे पहले लिख के देते हैं लॉ क्या होता है, आपने अगर कभी रिपोर्ट देखी हो तो उनको हम सबसे पहले लिख के देते हैं कि भैया ये प्रोविजन इस तरीके से है, इसलिए ऐसा बना है। सो यू हैव टू गो इन अ रियल रियल फॉर्मल वे, फॉर्मल वे में जाना होता है। और भैया तुम्हारा ये व्हाट्सएप SMS लैंग्वेज नहीं है कि तुम इनफॉर्मल वे में कुछ भी लिख डालोगे, वहां पे प्रॉपर सारी चीजें लिखनी पड़ती है, देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर एवरीथिंग।
सो थ्योरी लिखो, थ्योरी नीचे के बाद उसके अंदर ये फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट तुम इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। एक बात याद रखो सर, ये कोई आपका अकाउंट्स या कॉस्टिंग नहीं है जहां पे फॉर्मेट किसी चीज के सेट हो। अगर आप देखें तो पूरे इनकम टैक्स में फॉर्मेट सिर्फ दो जगह पे है, कैपिटल गेन और एचपी। वर्किंग नोट कैसे बनानी है, एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, या एक आंसर को इसी तरह से प्रेजेंट करना है क्या, इसके कोई फॉर्मेट नहीं है। पर हाँ, आपका फॉर्मेट जो होना चाहिए प्रेजेंटेबल एंड लूसिड होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये इजी टू अंडरस्टैंड हो सकता है अगर आपने ऊपर क्या कर दिया, प्रोविजन लिख दिया है, तो नीचे आपका आंसर मैच कर लेगा। सबसे पहले प्रोविजन 44A आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 1000 पर टन फॉर ग्रॉस वेट लैडन अनलैडन इन केस ऑफ हेवी गुड्स व्हीकल, 7500 पर मंथ पर व्हीकल फॉर अदर देन हेवी गुड्स व्हीकल। यस, हेवी गुड्स व्हीकल मतलब जिसका ग्रॉस वेट 12000 kg से एक्सीड कर रहा है। प्रिजम्पटिव इनकम आएगी आपकी 682,500। द आंसर वुड रिमेन सेम इवन इफ द असेट इज परचेज एंड पुट टू यूज इन जुलाई 20। पुट टू यूज कब हो रहा है 44A में, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। पुट टू यूज कब हो रहा है 44A में, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। यस और नो? चेक करो बेटा, बहुत बढ़िया। सो ये कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 44A का था, बेहतरीन क्वेश्चन था। एक भी प्रैक्टिस करके जाओगे तो काफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये आप सेल्फ कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन के अंदर में, अगेन क्वेश्चन 44A से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली 44A मेंशन नहीं है। दिस इज अ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, यानी आपको एक बार 44A के हिसाब से लेता है तो क्या होगा, 44A ही नहीं लेता है तो क्या होगा, उसके ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है। गुड क्वेश्चन, यू कैन चेक, बट इजी वन। भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ गए हम लोग, 15वें क्वेश्चन के ऊपर आ गए हम लोग, जिसमें से आई थिंक मैंने सिर्फ आपको दो होमवर्क दिए हैं। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अलाउेबल डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हर तरीके का क्वेश्चन रखा है साहब मैंने, हर तरीके का क्वेश्चन रखा है इसके अंदर में ईमानदारी से। प्रिया इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड ऑप्ट फॉर WDV। एक मिनट, आपने जो लॉ पढ़ा है पहले उसको ध्यान से सुनिए। पावर जनरेटिंग यूनिट के पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं SLM बेसिस पे हो। यहां सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है कि भैया ये पावर जनरेटिंग यूनिट है। असेसी बोलेगा कि भैया बच्चा बोलेगा भैया SLM SLM, अरे मेरे भाई ऑप्शन है वो, उसने ऑप्ट खुद होके WDV किया है। इस बात को ध्यान से सुनो। मेथड, शी हैज ओपनिंग ब्लॉक ऑफ 50 लाख रुपीज, शी एक्वायर्ड न्यू मशीनरी 25 लाख रुपीज इन नवंबर, जिसका हाफ मिलेगा। इंपोर्टेड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ज्यूरिख, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी इज कंसिडर्ड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी। दिस मशीनरी वॉज यूज देयर अर्लियर एंड शी इज द फर्स्ट यूजर इन इंडिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एडिशनली शी बॉट कंप्यूटर 5 लाख रुपीज इन सितंबर 2020। ठीक है सर, क्या करना होगा, वो फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो डेप्रिसिएशन का। कौन सा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स रुपीज परसेंटेज डेप्रिसिएशन वाला, क्लोजिंग WDV। इस फॉर्मेट को ऐसे भी यूज किया जा सकता है, पर्टिकुलर्स ओपनिंग WDV एडिशन सेल क्लोजिंग WDV डेप्रिसिएशन, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, राइट। फाइनल क्लोजिंग WDV ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। पर्टिकुलर्स यही सब कुछ सॉल्व कर दो और सीधा यहां पे डेप्रिसिएशन इन रुपीज डाल दो, ये भी फॉर्मेट चलेगा। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसमें आपका WDV भी आ जाता है और डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन आप इन तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देन बड़े गुरु जी, डन सर, लेट्स चेक।
सबसे पहले ओपनिंग WDV हुई थी 50 लाख रुपीज की, इस पे तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% का, सो 50 लाख × 15% 7 लाख 50,000 यहाँ आ गए। इसके बाद हमने 25 लाख का न्यू मशीनरी परचेज किया था 25 लाख रुपीज के ऊपर। कब परचेज किया था, एक मिनट, कब परचेज किया था, 15 नवंबर को, फुल या हाफ, हाफ राइट, या 187.5%, चेक करो जल्दी से, चेक करो। सर यहां पे रेट 15 लिखा है, अरे मेरे भाई वो रेट है, इधर देख ये 7.5 के हिसाब से निकला है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखे हैं वो, समझ में आया, डोंट कंफ्यूज इट विथ वहां पे राइट लिखा है रॉन्ग लिखा है। शी ऑल्सो इंपोर्टेड अ न्यू मशीनरी 10 लाख रुपीज, कब किया, 14 अप्रैल को, फुल 15%। उसके बाद दिस मशीनरी वॉज यूज अर्ली, ठीक है, उसने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर कब लिया, 9 सितंबर को, अगेन फुल, पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 40%। अब एक और चीज हमें एडिशनल डिप्रिसिएशन में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने डिप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पूछा है, 32 नहीं पूछा, 32 रहता तो सिर्फ डिप्रिसिएशन निकालते, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट बोला है, मतलब डिप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डिप्रिसिएशन में निकालना पड़ेगा। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको किसको मिलेगा, एक न्यू मशीनरी जो इंपोर्ट किया है इसको भी मिलेगा, ये भी मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जरा ध्यान से सुनिएगा, न्यू मशीनरी कंप्यूटर, नीचे नोट पढ़ना मत भूलना, इनको क्यों नहीं दिया, इज इट अ सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, डन सर, बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 16 एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पीजीबीपी का, जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपको यहां पे पूरा का पूरा। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले क्वेश्चन आए ना, मेरे हिसाब से बिल्कुल डरना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं डरना चाहिए, अरे ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बॉस, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मैं एक तरीका बता देता हूं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप खुद ब खुद हो करके इसको सॉल्व कर पाओगे, ईमानदारी से बता रहा हूं। जब भी पीएनएल आ जाए आपको, ध्यान से सुनना, जब भी आपको पीएनएल आ जाए सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना, सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाना, पर्टिकुलर्स वर्किंग नोट नंबर 1 पीजीबीपी, मैक्सिमम केस में जब भी पीजीबीपी के क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ पीजीबीपी के नहीं होते, अदर हेड के भी होते हैं, यस और नो, तो जब भी आपको कोई अदर हेड का क्वेश्चन दिख रहा है हर हेड के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट बना लेना, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही आपको दिखे, आपकी पहली ड्यूटी बनती है तुरंत नीचे जाना और ये ढूंढना कि मेरे को करना क्या है। फर्स्ट थिंग व्हेन यू सी अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तुरंत नीचे जाओ, देखो करना क्या है तुम्हें, कंप्यूट करना है पीजीबीपी, इस बार तुम्हें सिर्फ पीजीबीपी कंप्यूट करना है। दूसरा, उसको एडवाइस करना है क्या वो 44 एडी ले सकता है क्या, एडवाइस करना है, आंसर नहीं निकालना। यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम दैट एंटायर टर्नओवर वाज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है सर। अब जैसे ही आपको पता चल गया कि अब आपको पीजीबीपी कंप्यूट करना है, टोटल इनकम नहीं, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, पीजीबीपी के लिए निकालना है, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, 3 कॉलम पीजीबीपी के लिए बनेगा। आंसर की शुरुआत होगी सबसे पहले नेट प्रॉफिट से, हमेशा स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो आप जाओगे नेट प्रॉफिट के अंदर में, ये होगा स्टेप 1, जितने भी नोट्स दिए इनको सॉल्व करना, ये होगा आपका स्टेप 2। स्टेप 3 आपका क्रेडिट साइड के पीएनएल के अंदर में आएंगे, पीएनएल के क्रेडिट साइड के अंदर में आएंगे। स्टेप 4 डेबिट साइड में जाएंगे। ये माइंड फिक्स कर लो, ये चक्र ऐसा घूमना चाहिए, ऐसा नहीं, ये चक्र ऐसा घूमना चाहिए। कई बच्चे चालू ही करते डेबिट साइड ऑफ पीएनएल से, अरे 100% गलत है, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल के अंदर में जो तुम्हारी एंट्री दी है, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल के अंदर में जो तुम्हारी एंट्री दी है, ये जितनी भी एंट्री है
डेबिट साइड ऑफ पीएनएल के अंदर में जो तुम्हारी एंट्री दी है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स तुमको नीचे दिए हैं। कहाँ गया? इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तुमको नीचे दिए हैं, हेंस चक्र ऐसा मत घुमाओ, चक्र ऐसा घुमाओ। पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से नोट, से क्रेडिट, से डेबिट, एक एक करके आप है। कुंदन लाल अ ट्रेडर, नेट प्रॉफिट आ रहा है 66,000। आपके आंसर की शुरुआत होगी 66,000 से, नेट प्रॉफिट 66,000। आते हैं नोट्स पे। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक आर अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये एडजस्टमेंट एक बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, बहुत कॉमन एडजस्टमेंट, कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक है ये अंडर वैल्यूड है। मतलब एग्जिस्टिंग जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिख रहा होगा वो 90% पे ही दिख रहा होगा। यस, मतलब इसका डिवाइडेड बाय 90% कर लो तो ओरिजिनल क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो आप यहां पे क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक को लेस कर दो। कैसे निकाला होगा ये रहा, नोट्स के अंदर में दिया है। जो आपका स्टॉक दिख रहा होगा ये 90% ही दिख रहा होगा मालिक, जो आपका स्टॉक दिख रहा होगा ये 90% ही दिख रहा होगा। डन, ओके। सैलरी ऊपर जाओ, सैलरी को टिक करो इधर। सैलरी इंक्लूड्स 20,000 पेड टू रिलेटिव विच इज कंसिडर्ड एज अनरीजनेबल। 48.2 की बात याद आ गई मेरे को, जितना अनरीजनेबल है उतना एड बैक करेंगे। 20,000 एड बैक टू नेट प्रॉफिट, 20,000 एड बैक टू नेट प्रॉफिट। होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी पेड इन कैश एट वन गो, 25,000 रुपए कैश में पे किए। 40A3 वाला मैटर आ गया मालिक, 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट क्या करेंगे, एड बैक। 40A3 25,000 रुपए एड बैक हो गए। फिर आया ग्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 12 लाख रुपीज, एडिशन 5 लाख रुपीज वेयर मेड एंड कुछ इतने की मशीनरी सेल हुई है। जब भी आपसे ये WDV दिया है तो ये आपसे एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं कि एक और वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 WDV और डेप्रिसिएशन आप बनाओ। ओपनिंग WDV आया 12 लाख रुपीज, राइट। इसमें क्या करोगे तुम, एडिशन करोगे, कितने का एडिशन करोगे, 5 लाख रुपीज, बराबर है। इसमें से मशीनरी सोल्ड माइनस करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग WDV, और उसके ऊपर निकालना होगा तुम्हें डेप्रिसिएशन। नीचे आओ, ये रहा आपका क्लोजिंग WDV, एक सेपरेट वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। इसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन, 66,301। डेबिट में जाओ, 2,25,000 का तुमने डेप्रिसिएशन डेबिट किया है, जबकि तुमको डेप्रिसिएशन अलाउड कितना है, 66,301। क्या करेंगे, 225 जो डेबिट किया है उसको एड बैक कर देंगे और 66,301 को लेस करेंगे। जो डिसअलाउ होगा उसे एड बैक करो, जो अलाउ होगा उसे लेस करो। रेंट्स रेट टैक्सेस इंक्लूड GST लाइबिलिटी 27,000 पेड विद इन 7 अप्रैल 2021। ईयर एंड के बाद पे किया है, पर रिटर्न भरने से तो पहले पे किया है। टैक्सेस एंड ड्यूटीज अलाउड एज डिडक्शन, GST अलाउड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डोनेशन ऑफ 12,000 इज मेड टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, नो, 37(1) इसको अलाउ नहीं करेगा। क्या करना होगा, 12,000 एड बैक करना होगा। पूरे नोट्स खत्म हो गए। क्रेडिट साइड सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, क्या ये PGBP इनकम है या अदर सोर्सेस इनकम है, अदर सोर्सेस यहां से बाहर निकालो, 5,000 लेस करो। क्रेडिट साइड ओवर, डेबिट साइड में आइए। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट्स एंड टैक्सेस सब अलाउ, सैलरीज अलाउ, इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लेते हैं बिजनेस पर्पस के लिए अलाउ, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये कोई बिजनेस लॉस है नहीं, क्या करेंगे, एड बैक। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस पर्पस के लिए किए होंगे अलाउ, स्ट्रेट अवे
आप कंप्यूट कर लेंगे आपका पीजीबीपी। एक मिनट, दूसरा सवाल पूछा था क्या हम प्रिजम्पटिव इनकम में आ सकते हैं, चलो देखते हैं। इज असेसी इंडिविजुअल, 44AD अप्लाई होगा, प्रोफेशनल तो है नहीं, बिजनेस है। इज असेसी इंडिविजुअल, यस। इज द टर्नओवर इज लेस देन 2 करोड़ रुपीज, यस। क्या प्रिजम्पटिव इनकम वो ले सकता है, यस। 1 करोड़ 25 लाख, पेमेंट कैसे से रिसीव्ड हुआ है, वो बोलते एंटायर अकाउंट पे ही चेक से रिसीव्ड हुआ है, इसका 6%। रीड दिस अलॉन्ग विद द अदर नोट्स, प्रॉब्लम खत्म। आपका एडवाइस अगर आप बोलोगे तो नॉर्मल में जाना ज्यादा सही है। डन मालिक, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। लगा कुछ हार्ड, ऐसा लगा कि नहीं नहीं पता, नहीं आइडिया है, नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा बेटा, कोई करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते क्या, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक इजी सा थियरी क्वेश्चन है, इसको सेल्फ करो। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आओ, थियरी है बट अच्छा है। एक्स हु वाज नॉट एन असेसी अर्लियर, ही वाज नॉट एन असेसी ऑल टुगेदर, कमेंस द बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020, हिज टोटल इनकम फॉर द ईयर ग्रॉस टर्नओवर इज 2 करोड़ रुपीज, इज 30,000। हिज टोटल इनकम फ्रॉम द ग्रॉस टर्नओवर इज 30,000 ओनली, दो हिज इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अज्यूम द कंडीशंस इन द प्रोविजो ऑफ 44AB(a) आर नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, इज असेसी इंडिविजुअल, यस। इज ही डूइंग बिजनेस, यस। टर्नओवर इज कितना है मालिक उसका, 2 करोड़ रुपए है। क्या वो अपनी प्रिजम्प्टिव इनकम से भी कम की इनकम शो कर रहा है, यस। ध्यान से सुनिएगा, ऑब्लिगेशंस एज पर 44AA, एक्स बीइंग एन असेसी इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट सिंस इट्स टर्नओवर एक्सीड 25 लाख। एज पर 44AB, every person carrying on business shall get his accounts audited from a chartered accountant if the total sales gross receipt exceed 1 crore and report the audit duly prescribed and signed. According to 139A, if business income exceeds 5 crore rupees, sales exceed 5 lakh rupees, then allotment of PAN is necessary. Therefore, Mr. X is under the following obligation: maintain the accounts, get his accounts audited, PAN number, to furnish the tax audit report by 30th September. Yes, tax audit report के डेट में अगर आप यहां देखो ये अमेंडमेंट आया है, पहले tax audit report return की डेट के साथ जाता था, अब 1 month prior to the date of filing return है। चेक करो, डन, दैट्स इट। आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 19 का केस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको याद होगा तो ये बात बेड डेप्थ से रिलेटेड है और ये बात हम लोगों ने सेक्शन 36 के अंदर में पढ़ी है। जनरली बेड डेप्थ वही कैरी कर ऑन कर सकता है जिसके थ्रू ये हुआ और बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, पर क्या सक्सेसर ऑफ बिजनेस भी बेड डेप्थ क्लेम कर सकता है? वीरा भद्रा राव का केस था, ये कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है। केस स्टडी फॉर्म के अंदर में रखा गया है। पी लिमिटेड हैज टू डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन एंड टी डिवीजन। इट हैज ट्रांसफर्ड इंजीनियरिंग डिवीजन टू क्यू, ठीक है। परसुअंट टू द स्कीम ऑफ डीमर्जर विच सेटिस्फाई द कंडीशंस, पी लिमिटेड हैज अ डेप्ट ऑफ 5 लाख इन इंजीनियरिंग डिवीजन विच टू ट्रांसफर टू क्यू लिमिटेड। द सेट डेप्ट हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड इन द क्यू लिमिटेड। कैन क्यू लिमिटेड क्लेम डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेप्ट? क्या सक्सेसर ऑफ बिजनेस बेनिफिट क्लेम कर सकता है? आंसर इज यस। एज पर 36(1), बेड डेप्ट इज रिटन ऑफ एज इररिवोकेबल बाय एसएससी, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर दैट ऑफ पीजीबीपी। सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस वीरभद्र राव, अ सक्सेसर ऑफ बिजनेस विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम अलाउंस ऑफ बेड डेप्ट इवन दो द डेप्ट वॉज नॉट इनकर्ड बाय इट बट वॉज इनकर्ड बाय प्रेडेसेसर बिफोर द टेक ओवर ऑफ बिजनेस। देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बेड डेप्ट शैल बी अलाउड टू क्यू इन रिलेशन टू अ डेप्ट इनकर्ड बाय पी लिमिटेड एज गिवन अंडर। डन। यस चलो चलो भाई साहब, काहे पे बेस्ड है? ओ हो, जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है। देखो करना क्या है। सबसे पहले नीचे कंप्यूट द नेट इनकम ऑफ कंपनी क्लियरली इंडिकेटिंग द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। नेट इनकम कंप्यूट करनी है हमें, नेट इनकम कंप्यूट करनी है और हर आइटम का आपको क्या करना है, डिटेल देना है। यहां पे देखना, आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन रखा है मैंने, यहां मैंने आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन रखा है जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था देखो पीजीबीपी से रिलेटेड से ज्यादा ना पीजीबीपी प्लस अदर इनकम मिक्स करके दूंगा ना तो तुम्हारा प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां से मैंने ना आप देखोगे थोड़े से के टोटल इनकम वाले क्वेश्चन ज्यादा चालू किए हैं ताकि आपको मजा आए। और टोटल इनकम मैंने एट द एंड भी रखा हुआ है क्वेश्चन एयर के अंदर में, यहां पे भी रखा हुआ है। एक एक रीड करते हैं। ए कंपनी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 65 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अ स्क्रूटनी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग, ठीक है सर ओके। क्या करेंगे? सबसे पहले तो ए एन कंपनी असेसमेंट ईयर 21-22 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या जो भी आपका असेसमेंट ईयर होगा अकॉर्डिंगली। फिर आप क्या करोगे, यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 पीजीबीपी लेकर के आओगे। पीजीबीपी के अंदर में सबसे पहले शुरुआत करोगे नेट प्रॉफिट से। सो पीजीबीपी की शुरुआत होगी आपकी नेट प्रॉफिट से,
वर्किंग नोट नंबर वन पीजीबीपी 65 लाख, रेंट ऑफ 2.4 लाख फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी एंड लेट आउट टू अ बैंक वॉज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट. क्या पॉइंट बोल रहे हैं वो कि भैया कुछ रेंट रिसीव हुआ है तो आप रेंट आपकी एचपी इनकम है पीजीबीपी नहीं. सबसे पहले पीजीबीपी में से 240 माइनस करना पड़ेगा. एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज और हाउस प्रॉपर्टी का पूरा फॉर्मेट वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा. जीएवी म्यूनिसिपल टैक्स एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. वहां पे जीएवी में जाके 2,40,000 डालने होंगे. समझ में आई बात. पीजीबीपी से हटाना होगा, एक और वर्किंग नोट पे लेके जाना होगा. राइट, आगे भी डिटेल्स देखते हैं पर इतना काम पहले करना होगा. तो सर जब हम लेस की बातें करते रहेंगे, किसकी बातें करेंगे, लेस की बातें करते रहेंगे, तो हम सबसे पहले 2.40 का रेंट यहां से हटाएंगे क्योंकि ये बिजनेस इनकम नहीं है, तो यहां से हटाएंगे. राइट, और हम एक हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट बनाएंगे. हाउस प्रॉपर्टी का वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके अंदर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इधर देखो यहीं पे बनाया मैंने, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2.40 इंसर्ट कर देंगे. लॉस ऑफ 5 लाख ड्यू टू नॉन रियलाइजेशन ऑफ एडवांसेस गिवन टू अ होली ओन्ड सब्सिडरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ हायर परचेज फाइनेंसिंग चार्जेस चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा. 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है. किस वजह से ये लॉस हुआ है, 5 लाख रुपए का लॉस हुआ है क्योंकि हमने अपने सब्सिडरी को फाइनेंसिंग प्रोवाइड की थी. क्या करी थी मालिक, अपने सब्सिडरी को फाइनेंसिंग प्रोवाइड करी थी, उसके कारण हमारे को क्या अराइज हुआ है, लॉस अराइज हुआ है. ठीक है सर, क्या करेंगे इस लॉस का, क्या करेंगे इस लॉस का. सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. हाँ बस आप इसे एक चीज जरूर करेंगे, एड बैक कर देंगे पीएनएल के अंदर में. क्यों, आपका मेजर काम है मैन्युफैक्चरिंग करना. ये जो लॉस हुआ है ये मैन्युफैक्चरिंग के कारण नहीं हुआ है. सो 5 लाख रुपीज एड बैक कर दिया जाएगा. रीजन रीड करें क्योंकि रीजन आपको हर बार देने हैं. डन बेटा, नेक्स्ट पॉइंट. कंपनी यूज टू इंक्लूड इंटरेस्ट कॉस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ इट्स फिनिश्ड स्टॉक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. कंपनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड AS2 इशूड बाय ICAI एंड एक्सक्लूडेड द इंटरेस्ट कॉस्ट इन वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स. दिस रिजल्टेड इन डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय 15.40. एक मिनट, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला देता हूं, आप अपना वैल्यूएशन चेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इसके कारण अगर आपका प्रॉफिट रिड्यूस भी हो जाता है तो इस एडजस्टमेंट का कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग विच इज टू बी डन अंडर द एक्ट. तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको. राइट, नोट नंबर 3 पढ़िए. अ कंपनी कैन चेंज इट्स वैल्यूएशन मेथड ऑफ स्टॉक provided the change is made for a bona fide reason and followed consistently in future. A SEC has changed its method of valuation in line with professional body. Therefore, genuineness of the method of valuation cannot be questioned. Hence, even the profit is lower by 15.4, it would not have any impact in the computation of income. This is a very good adjustment. Municipal taxes on commercial property debited 0.22 which were ultimately paid on 1/12/2021 stock. Municipal taxes property से related है, business expenditure है नहीं, PGBP में add back होगा. ये PGBP में 0.22 add back हो गया. ठीक है, अब एक सवाल उठता है, municipal taxes against the property है, वो property किराए के ऊपर गई है, क्या इसका deduction मिलेगा? Answer is no. Sir क्यों? म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन. ये पे हुआ है 1 दिसंबर 2021 को, ये पे हुआ है 1 दिसंबर 2021 को, म्युनिसिपल टैक्स में इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. पीजीबीपी में एड हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस में से कुछ नहीं माइनस होगा. रीजन पढ़ो, इतना खतरनाक जबरदस्त प्रॉब्लम है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो जल्दी से, जल्दी से इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो. समझ में आए क्यों?
कंपनी हैज रिसीव्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड वैल्यूड एट 1.25 लाख इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सीडी इन अ स्कीम ऑफ अमलगमीशन. द शेयर इन सीडी वेर एक्वायर्ड इन 6/7 एट द कॉस्ट ऑफ 0.40. क्या याद करना होगा? सेक्शन 47 याद करना होगा. अमलगमीशन के अंदर में शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 अप्लाई कर जाएगा. अंडर सेक्शन 47 एनी ट्रांसफर, देख रहे हो बेटा, कैपिटल गेन भी मिक्स है, पीजीपीपी भी मिक्स है, एचपी भी मिक्स है. अंडर सेक्शन 47 एनी ट्रांसफर बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन अमलगमेटिंग कंपनी डज नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन टैक्स इफ द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी शेयर्स इन द अमलगमेटेड कंपनी. एंड अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी. द सरप्लस हैज बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बोथ ए बी एंड सी डी आर इंडियन कंपनीज. ठीक है सर, आपने इसको क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट हम यहां से बाहर कर देंगे. क्यों बाहर कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? करना ही पड़ेगा. 1.25 माइनस 0.40 पीजीबीपी में से बाहर करना पड़ेगा क्योंकि ये कैपिटल गेन से रिलेटेड है. 0.85 सरप्लस हटाएंगे, ये पीजीबीपी में टैक्स होने वाली चीज नहीं है इसलिए हटाएंगे. यस बढ़ते आगे. एन एग्जीक्यूटिव व्हाइल ऑन अ बिजनेस रोड ट्रिप डाइड, ग्रेचुटी पेड वॉलेंटरली अमाउंटेड टू 6 लाख रुपीज. वेट, हमारा अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता है और उसके लिए हम लोग पेमेंट करते हैं तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है, एम्प्लॉय पेमेंट माना जाता है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव डेबिटेड इट, इफ यू हैव डेबिटेड इट, कुछ करने की जरूरत नहीं है. नोट लिखी होगी इसके ऊपर, पेमेंट ऑफ 6 लाख ऑन डेथ ऑफ एन एग्जीक्यूटिव वाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप इज अलाउबल एज डिडक्शन सिंस इट इज ऑलरेडी डेबिटेड टू पीएनएल, नो फर्दर एडजस्टमेंट विज बी रिक्वायर्ड. एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चर ऑफ डेट कंपनी हैज कन्वर्टेड अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इन टू अ न्यू टर्म लोन विथ रिवाइज पेमेंट शेड्यूल. द कंपनी हैज पेड 0.50 टूवर्ड सच फंडेड इंटरेस्ट. रुक, बहुत जबरदस्त एडजस्टमेंट है, बहुत जबरदस्त. क्या कंसेप्ट बोला है, जरा ध्यान से सुनना. ये एडजस्टमेंट फाइनल के अंदर भी आया हुआ है, ध्यान से सुनना. जब आप मेरे साथ सीए फाइनल में आएंगे, सीए फाइनल में भी मैं आपके साथ क्वेश्चन एयर सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी. वहां पे इससे डबल साइज का क्वेश्चन है. फाइनल का क्वेश्चन है अगर आपको दिखाओ तो सीए फाइनल का क्वेश्चन है बस इतना बड़ा है. खैर जाहिर सी बात है वहां पे टॉपिक भी 43 है तो उतना तो बनता है, उतना तो हक बनता है. राइट नाउ अभी क्या बोल रहे हैं, अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट बाकी था. कौन से सेक्शन को रिफर कर रहे हैं हम? 43B. 43B कहता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अगर आपने रिटर्न भरने से पहले एक्चुअली पे किया तो डिडक्शन अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है. नाउ अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका कुछ होगा तो वो उस साल में एड बैक हो गया होगा, डिडक्शन बोल के नहीं मिला होगा जिस साल में ये अरियर हुआ होगा. इस साल आज के साल में ये एक्चुअली पे हुआ कितना? 0.50. जितना एक्चुअली पे हुआ उतना पीजीबीपी में से लेस करना होगा. 5 लाख जो था वो डिसअलाउ हो गया होगा क्योंकि जिस साल का ये अरियर्स हुआ होगा, पर उसमें से जितना एक्चुअली पे हुआ वो अलाउ होना चाहिए. एक्चुअली पे 0.50 हुआ तो 0.50 आपका पीजीबीपी में से माइनस होना चाहिए. पॉइंट एक. पॉइंट दो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेप्ट हुआ, आपके इंटरेस्ट को लोन का पार्ट बना दिया गया, इसे रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जा सकता. इसे पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन वुड हैव बीन डिसअलाउड अंडर 43B अर्लियर असेसमेंट ईयर ड्यू टू नॉन पेमेंट. सच इंटरेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लोन. कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इंटरेस्ट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्चुअली पेड एंड हेंस नो डिडक्शन फॉर द सेम. सिंस द कंपनी हैज पेड 0.50 इन द करंट ईयर द सेम शैल बी अलाउबल एज पर सेक्शन 43B. 0.50 लेस हो जाएगा.
डन सर, चलो डन जी। भाई साहब, एक एक एडजस्टमेंट, लीगल चार्जेस इन कनेक्शन विद अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल एंड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। क्या आपको पता है ये बात हम लोगों ने 37 के अंदर में करनी चाहिए। बोनस शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं ये बिजनेस एक्सपेंसेस माने जाते हैं एज पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी केस, और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ये भी बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। यही अगर अल्टरेशन ऑफ एमओयू हुआ रहता तो हम इसे एडबैक करते क्योंकि वो कैपिटल माना जाता है। तो ये दोनों भी अलाउ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आप देखोगे यहां पे लीगल चार्जेस आर्टिकल इज अलाउेबल एज डिडक्शन, बोनस शेयर इज अलाउेबल एज डिडक्शन एज पर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डन सर, इसके आगे तो अमाउंट लिखिए, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं करना है, पहले देखना है टोटल 5.22, 5.22 इधर की आई है। द कंपनी हैज परचेज स्क्रैप मटेरियल अमाउंटिंग टू 0.60, द पेमेंट ऑफ विच वॉज मेड इन कैश ऑन 15 अगस्त 2020। मैक्सिमम बच्चा, भाई साहब मैक्सिमम बच्चा यहां पे कंफर्म उड़ जाएगा। वो बोलेगा कैश में 60,000 पे किया है, मैं 40A3 लगा रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने तुम्हें घुमाया ही 15 अगस्त में। 15 अगस्त को क्या होता है पता है ना? इट्स अ बैंकिंग हॉलीडे, रूल 6DD लगेगा। तुम लगाओगे 40A3, इंस्टीट्यूट बोलेगा ओ एक और अटेम्प्ट। इंस्टीट्यूट क्या बोलेगा? ओ एक और अटेम्प्ट दे, सीए फाइनल ओ फर्स्ट अटेम्प्ट ओ। इंस्टीट्यूट बोलेगा 15 अगस्त की डेट कौन देखेगा? 15 अगस्त की बैंकिंग हॉलीडे, 40A3 अप्लाई नहीं होगा, रूल 6DD अप्लाई होगा। इस दिन बैंक बंद था 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर बैंक बंद रहते। भाई साहब नेशनल हॉलीडे, उस दिन पेमेंट किया, अलाउड एज डिडक्शन। तुम लगाओगे 40A3, इंस्टीट्यूट बोलेगा बेटा रूल 6DD किधर है? पढ़ा नहीं ध्यान से, ओ चम्मी कपूर पढ़ा नहीं ध्यान से तूने, रूल 6DD अप्लाई होगा यहां पे। लो बेटा नीचे आओ पढ़ो, ये इतना जबरदस्त एडजस्टमेंट है, रीड इट। डन बेटा, बहुत शानदार। आ जाओ बेटा, प्रॉफिट शोन एज अबव इंक्लूड्स 5 लाख रुपीज एज रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट फॉर यूज ऑफ कंपनी प्रोडक्ट, दिस वॉज हाउएवर नॉट ब्रॉट टू इंडिया। क्या करेंगे इसका? प्रॉफिट शोन एज अबव इंक्लूड्स 5 लाख रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट फॉर यूज ऑफ कंपनी प्रोडक्ट, क्या करेंगे इसका? दिल से सोच के देखो, क्या सच में कुछ करने की जरूरत है? क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया? फॉरेन गवर्नमेंट अपना प्रोडक्ट यूज कर रही है, उसके लिए पैसा दे रही है, धंधे की इनकम है, काय को कुछ करने को होगा? आपका पीजीबीपी को क्लोजअप कर देना, सारे एडजस्टमेंट डन हो गए। एक वर्किंग नोट ओपन होगी एचपी की, एचपी में आपका ग्रॉस टोटल इनकम था, म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिला, एनएवी आएगा 240, उसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मार लेना, आईओबीसी है नहीं। एक और वर्किंग नोट बनाना टोटल इनकम की, एक और वर्किंग नोट बनाना टोटल इनकम की, कैपिटल गेन नील, पीजीबीपी जो आया वो और एचपी जो आया वो, आपकी टोटल इनकम इफ एनी, टैक्स नहीं निकालने बोला था इतना ही अच्छा था, टैक्स नहीं निकालने बोला था इतना ही अच्छा था। डन सर, चलो जी,
यस और नो? डन, चलो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप देख सकते हो टोटल इनकम का क्वेश्चन है, सिर्फ पीजीबीपी का नहीं, ये टोटल इनकम का क्वेश्चन है। तो टोटल इनकम का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो सर, डोंट वरी। एक एक एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, और प्रैक्टिस ही तो की है ना बेटा, आखिर प्रैक्टिस ही तो की है। आ जाओ 21, अगेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स डाले हैं इसमें। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर। एक्स लिमिटेड कहाँ एंगेज है भाई साहब? मैन्युफैक्चर के अंदर में एंगेज है भाई साहब। 21 क्वेश्चन पे अगर इसके अंदर में मैंने आपको तीन ही क्वेश्चन होमवर्क दिए अभी तक, ध्यान से सुनना सिर्फ। एक्स लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ टेक्सटाइल। अच्छा, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल। इट्स नेट प्रॉफिट इज गिवन एज 75 लाख। करना क्या है? सबसे पहले नीचे जाओ, क्या करने बोल रहे हैं हमको? कंप्यूट टोटल इनकम भाई साहब, टोटल इनकम कंप्यूट करने बोल रहे हैं, मतलब डिडक्शन बीच में आएगा तो उसका भी एक वर्किंग नोट बनेगा। सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जानेगा एक्स लिमिटेड असेसमेंट ईयर 21-22 कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी। यस, उसके बाद में वर्किंग नोट नंबर वन, पीजीबीपी पर्टिकुलर्स रुपीज, रुपीज नेट प्रॉफिट 75 लाख इंसल्टेड। यहां से आपका चालू होगा गेम, राइट? फिर एक एक एडजस्टमेंट को खींचने का, फॉलोइंग आइटम्स डेबिट हुए या क्रेडिट हुए? एक मिनट, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, क्या तुझे याद है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 35D के अंदर में कवर होता है, और इसका डिडक्शन 1/5 बेसिस पे मिलता है। मतलब अगर खर्चा किया है तो 5 लाख का 1/5 डिडक्शन मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 4/5 डिसअलाउ हो जाएगा? यस। और आने वाले 4 सालों के अंदर में मिलेगा? यस, 4 लाख रुपए एड बैक होंगे। 1/5 अलाउड, 4/5 डिसअलाउड। 1/5 अलाउड, 4/5 डिसअलाउड। नीचे आओ, 35D के ऊपर नोट लिखी है, नेक्स्ट। चार्जेस ऑफ 2 लाख वॉज पेड फॉर एडवर्टीजमेंट सॉल्वनियर पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। अरे रुक जा, 37 याद है ना, 37(2)(b) पॉलिटिकल पार्टी एड बैक करेंगे, लेकिन 80GGB करके एक डिडक्शन आता है, 80GGB करके एक डिडक्शन आता है, वहां इसका बेनिफिट मिलता है। आपको बताया था मैंने, 2 लाख रुपीज एड बैक हो जाएंगे, और 80GGB। एक और वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट नंबर टू, डिडक्शन इसके अंदर में 80GGB कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज असेसी इज एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी नहीं होते तो 80GGC लिखते, पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज वहां पे एड बैक हो जाएगा। दो वर्किंग नोट अब तक हमारी बनी होगी। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 35DDA, दद्दा VRS ले ले, इसको भी 1/5 बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा। याद आ रहा है तुमको? यानी अगेन 4/5 क्या हो जाएंगे बेटा? डिसअलाउ हो जाएंगे, लेकिन लेकिन यहां पे निल होने वाला है। क्यों? गलती जो आपसे होगी, VRS का पेमेंट नहीं है जो 1/5 हो जाए, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है, पूरा डिडक्शन मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, असेसी कंपनी है, इसका डिडक्शन कंफर्म 1/5 में मिलता है, तो 4/5 डिसअलाउ हो जाएगा, 4/5 डिसअलाउ हो जाएगा। देख रहे हो, ये सब वो ऑफ बीट वाले सेक्शंस को डाले हुए हैं। इंटरेस्ट पेड 234B फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपका एडवांस टैक्स में 234B है, पहले ये याद रखना, शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एक मिनट, इंटरेस्ट पेड लग रहा है 234B के अंदर में, तो ये एडवांस टैक्स के नॉन कंप्लायंसेस के लिए है, और इसके लिए अगर कोई इंटरेस्ट पे किया होगा तो एडबैक, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ के लिए है। लॉस इनकर्ड इन ट्रांजिशन फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनी। एक मिनट, ये लॉस बिजनेस लॉस नहीं है, एड बैक करो, ये लॉस बिजनेस लॉस नहीं है, एड बैक करो। कंपनसेशन रिसीव्ड फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। आपको कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल लेट होने की वजह से, ये पीजीबीपी इनकम माना जाता है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 2 लाख, फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल, पहले अदर सोर्सेस से, अदर सोर्सेज में इसको क्या करना होगा, टैक्स करना होगा। एक और वर्किंग नोट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिविडेंड इनकम 2 लाख रुपीज लिखना होगा और पीजीपीपी में से लेस करना होगा क्योंकि ये यहां टैक्सेबल नहीं है। आई थिंक सारी चीज हो गई। टोटल सेल्स वॉज 30 करोड़, आउट ऑफ विच एक्सपोर्ट्स वॉज 10 करोड़, ठीक है बाद में देखेंगे। पीजीबीपी कंप्यूट क्लोज करना आपने, इसके बाद अदर सोर्सेज का कोई एडजस्टमेंट नहीं तो 2 लाख रुपए पे क्लोज कर देना। इसके बाद डिडक्शन, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा, डिडक्शन क्लोज करना। एक और वर्किंग नोट बनाना, एक और वर्किंग नोट बनाना प्रैक्टिकल में लिखते वक्त। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है लेकिन रियल में आपको 4 अलग अलग वर्किंग नोट बनानी पड़ेंगी, पेपर लेंथी बनेगा आपका। और उसके बाद आपका टोटल इनकम, सब हेड से टोटल इनकम निकालना, यहां रख देना। डन। चलो सर, बहुत बढ़िया। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 को आप सेल्फ लेंगे, छोटा और इजी क्वेश्चन है। लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। सिमरन लिमिटेड, सिमरन लिमिटेड सॉल्व करो बेटा। यस, चालू करो क्वेश्चन को। करना क्या है, सबसे पहले कहाँ जाओगे बताओ, तुम खुद बताओ सबसे पहले कहाँ जाओगे, नीचे हैबिट लगा लो, क्वेश्चन के नीचे जाके देखो करना क्या है। कंप्यूट करना है क्या, इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स। जब ये वर्ड कह देते हैं ना चार्जेबल टू टैक्स, मतलब वो आपसे टोटल इनकम कंप्यूट करने की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट यू टू कंप्यूट द इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स। टोटल इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, तो आपसे टोटल इनकम निकालना चाह रहे हैं, मतलब डिडक्शन की वर्किंग नोट भी आएगी एंड टैक्स पेबल। देख रहे हो मैंने पीजीबीपी के अंदर में सिर्फ पीजीबीपी नहीं रखा, टोटल इनकम के क्वेश्चन रखा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। किसके बेटा, टोटल इनकम के, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आता क्या है, टोटल इनकम। अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चनेयर क्या काफी है क्या, ये जो क्वेश्चनेयर आप दे रहे हो ये काफी है क्या। मैं कहता हूं बेटा तुम ये सॉल्व तो करके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा ये काफी है या नहीं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इतने रखे हुए हैं कि तुम यू नो सॉल्व करोगे। एंड सबसे ज्यादा फोकस किया गया है टोटल इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के एस्पेक्ट पे फोकस किया गया है। जहां पे पीजीपीपी कंप्यूट करते हुए कैपिटल गेन, एचपी, अदर सोर्सेस मिला करके तुम्हारे को परोसा गया है, ताकि तुम जो टोटल इनकम के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जामिनेशन में वो सजेस्ट करो। अपने जितने दोस्त होंगे, प्लीज आपने अमेंडमेंट देखा है, आपने अपने लेक्चर्स देखे हैं फास्ट ट्रैक वाले, रेगुलर वाले, उनको सजेस्ट कीजिए। अगर वो डीटी के अंदर में यू नो तकलीफ में होंगे तो प्लीज उन्हें बताइए फास्ट ट्रैक कर, साथ साथ में क्वेश्चनेयर कर, उसको फायदा करवाइए। आप लोग खुद देख रहे हो कितने अमेंडमेंट है और उन अमेंडमेंट्स के इंपैक्ट कहां कहां देखने को मिलते हैं। एक डिविडेंड का अमेंडमेंट ये पीजीपी पे क्वेश्चंस बदल देता है, टोटल इनकम बदल देता है एक अमेंडमेंट। समझ रहे हो बात को। सो सर आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर।
टोटल इनकम कंप्यूट करना है, नेट प्रॉफिट अपने को 50 लाख दिया हुआ है। मेरा बच्चा दिमाग में दना दन फॉर्मेट क्लिक करने का, सबसे पहले सिमरन लिमिटेड असेसमेंट ईयर कॉम्पिटेशन ऑफ पीजीबीपी वर्किंग नोट नंबर 1 पीजीबीपी पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज तना दन दना दन दिमाग में रिसेट करने का, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। अय शम्मी कपूर रुकने का नहीं, 50 लाख रुपए राइट स्ट्रेट अवे पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज 50 लाख रुपए ऐड करने का। अमाउंट ऑफ 1,50,000 टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। अच्छा एक मिनट ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट को आपने क्या किया है, पेमेंट किया है कितने का बेटा, 1,50,000 का। ऐसा कोई चीज का डिडक्शन पहली बात तो हमने देखा नहीं सर, लेकिन एम्प्लॉय के लिए, एक मिनट, एम्प्लॉय वेलफेयर एम्प्लॉय के लिए पेमेंट नहीं है, ये किसी ट्रस्ट को बनाया गया है। दूसरी बात, ये कोई अप्रूव्ड फंड नहीं है जिसका आप डिडक्शन ले लोगे। सो ये 1,50,000 क्या होना चाहिए, एडबैक होना चाहिए। इसके ऊपर यहां पे हमने नोट भी लिख के रखी है, इट इज अज्यूम्ड दैट द वेलफेयर ट्रस्ट इज नीदर एन अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड नॉर इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉर अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड एंड कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय ट्रस्ट इज अदर देन द अबव थ्री विल बी डिसअलाउड अंडर 40A9 टोटली डिसअलाउ। दूसरा, 15 लाख पेड फॉर कॉलेज फीस एंड हॉस्टल फीस फॉर द एमबीए कोर्स ऑफ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर। भैया रिलेटिव की सैलरी भी तुम हमारे धंधे से पे कर डालो, डिसअलाउ। रिलेटिव की सैलरी भी तुम हमारे धंधे से पे कर डालो, डिसअलाउ। 3 लाख इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल एज टू फैसिलिटेट इट्स एम्प्लॉय कमिंग टू ऑफिस टू ओवरकम ट्रैफिक जैम एंड सेव द टाइम। सी, ये जो खर्चा किया है ये एम्प्लॉयज के लिए किया है, ट्रैफिक जाम से वो जल्दी बच के आ सके। इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन। कुछ नहीं करना है। नोट 3, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉय टू कम ऑन टाइम्स इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। सच एक्सपेंडिचर इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड सेव द कॉस्ट ऑफ एसएससी एंड दिस विल बी अलाउड इन 37(1). अमाउंट 5 लाख ऑन गिफ्ट आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेलियर डीलर फॉर सेल इंसेंटिव। डीलर्स अगर सेल्स अचीव करते हैं तो उन्हें देना पड़ता है, मोटिवेट रखना पड़ता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देना पड़ता है। बिजनेस एक्सपेंडिचर है, कुछ करने की जरूरत नहीं। नील, एक्सपेंसेस 5 लाख इनकर्ड ऑन ट्रेवलिंग ऑफ द वाइफ ऑफ MD अकॉम्पनीड हिम ऑन अ टूर ऑन इन्विटेशन ऑफ अ ट्रेड कॉमर्स लंडन। एक इन्विटेशन था जिसके तहत डायरेक्ट MD अपने वाइफ को भी लेके गया, अलाउड एज डिडक्शन। ये ट्रेड इन्विटेशन पे गए हैं, अलाउड एज डिडक्शन, कुछ करने की जरूरत नहीं। अमाउंट ऑफ 3 लाख पेड ऑन 11/5/2020 कॉन्सिक्वेंट अपॉन द चेंज इन करेंसी रेट ड्यू टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर। एक मिनट, ये 3 लाख रुपीज जो करेंसी एक्सचेंज के कारण आए हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण आए हैं, राइट, ये काय के लिए पे कर रहे हैं अपन? मशीनरी सप्लाई के ऊपर करेंसी फ्लक्चुएशन हुआ है, मतलब असेट की कॉस्ट में इसका इंपैक्ट होना चाहिए। भैया असेट के अगेंस्ट में फ्लक्चुएशन है, असेट की कॉस्ट में इसका इंपैक्ट होना चाहिए। क्या करेंगे, एडबैक करेंगे 3 लाख और क्या करेंगे? नोट पढ़ो, सिक्स्थ नोट पढ़ो। डन सर, चलो आगे आ जाओ। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 पेड ऑन जुलाई 2021
इज अलाउड एज डिडक्शन. एक मिनट, ये तो मैं आंसर ही पढ़ रहा हूँ, ऊपर आ जाओ. बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड प्रोविडेंट फंड इन द मंथ ऑफ मार्च वॉज डिपॉजिटेड इन जुलाई. 43B अप्लाई हो जाएगा. 43B कहता है अगर प्रोविडेंट फंड रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले पे कर दिया, अलाउड, कुछ करने की जरूरत नहीं है. यस. अच्छा, एक और पॉइंट इसके अंदर में आएगा. एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर्स दोनों कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या मान लिया जाएगा? आपका इनकम मान लिया जाएगा, क्योंकि वो रेलेवेंट डेट के पहले नहीं था. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख इज अलाउड एज डिडक्शन सिंस इट हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज पर 43. प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस 5 लाख मेड इन द बुक्स वॉस, एक मिनट, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस 5 लाख मेड इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज पेड टू ऑडिटर आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स अंडर 194J एंड द टैक्स वॉज सो डिडक्टेड बाई रेमिटेड ऑन 7 अक्टूबर 2020. ठीक है सर, क्या करेंगे? कुछ करने की जरूरत है इसके अंदर में? नहीं. कॉन्ट्रैक्टर हु कैरिड आउट रिपेयरिंग वर्क इन द ऑफिस वॉज पेड कैश विथ 2 वाउचर्स. पूरा का पूरा 25,000 एड बैक हो जाएगा. एक दिन में एक व्यक्ति को दिया, बिल नहीं है, वाउचर्स है. टीडीएस मेड आउट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख इन फेब्रुवरी एंड 2 लाख इन मार्च वेर रेमिटेड इन जुलाई 21. ठीक है सर, ऑडिट फीस एड बैक, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो एड बैक किए थे ड्यू डेट से पहले पे कर दिए, इसीलिए इसको लेस कर देंगे वापस. यस. आपका टोटल इनकम निकल जाएगा और उसके ऊपर टैक्स आ जाएगा. चेक करिएगा. डन मालिक, दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए वैसे भी होमवर्क है, राइट? तो 23 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं आउट ऑफ द ऑल क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड. आई थिंक आप लोगों को टोटल 34 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर्ड है, 34 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर्ड है, जिसके अंदर में से 23 हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, राइट? सो बैलेंस क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे. आज के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.